चैनल तो कैसे हैं आप सब और ये मैडम अभी रो रही थी <laughs> रो सी ले रही हैं क्योंकि इनको गोदी में आना है अब हर समय गोदी में लेके तो घूम नहीं सकते <laughs> तो अभी मैं जा रही हूं खाना बनाने के लिए लेकिन सारी सब्जियां खत्म हो गई तो देखूंगी कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊं और आज मुझे जाना भी है बाहर मार्केट तो चलिए सबसे पहले खाना बनाते हैं क्योंकि भूख लग रही है तो खाना बनाने से पहले मैं थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई फ्राइज कर लूँगी ये मकी के फ्रेंच फ्राइज़ हैं वैसे तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ आलू को बॉईल करके और उसमें थोड़ा सा हरा रूट डाल कर लेकिन ये शैली की डैडी लेकर के आए थे यानी कि हस्बैंड लेकर के आए थे वो बोले कि चलो ट्राई करके देखते हैं और अच्छे बने थे लेकिन हाँ ये है थोड़ा सा कि फ़्रेश नहीं होती है ये चीज़ें जो घर में बनी होती हैं चीज़ें वो सारी फ़्रेश होती हैं तो मैं इनको थोड़ा सा रेड कर लूँगी थोड़े से हल्के से रेड ये अच्छे लगेंगे उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कैच का चाट मसाला चाट मसाला डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा और मैं इसको दे दूँगी अपनी बेटी को खा लेगी इसको तो मैं लेकर के जा रही हूँ चाय और ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये खा रही हैं मैडम फ्रेंच फ्राइज़ तो इसे मैं ऐसा कुछ दे देती हूँ या तो बिस्किट दे देती हूँ या फिर रस जो होते हैं पापे बोलते हैं जिनको चाय में या दूध में भी कर दे देती हूँ और अब यहाँ पर ये कर रही हैं डांस तो थोड़ा सा सुबह आ, कुछ खा लेती है उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको नहला देती हूँ फिर ये फ़्रेश हो जाती है और अभी मैं कर रही हूँ बाहर की सफ़ाई बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मैंने अंदर ही साफ़ करवाया है जो बराबर वाली दीदी हैं उनके यहाँ मीट आती है तो उससे मैंने थोड़ा सा साफ करवा कर करके पाइप निकलवाया है बाहर क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं मैं दिखाऊंगी कि अपने किसी व्लॉग में इन प्लांट्स को बहुत सारे प्लांट्स मैंने लिए हैं पड़ोस वाली जो दीदी दी हैं उनके यहाँ से ये प्लांट्स उन्होंने दिए हैं थोड़े से ज़्यादा थे वो प्लांट्स उनके यहाँ और अभी मैंने आपको बताया भी था अपने व्लॉग में कि उनकी मदर की डेथ हो गई है कोरोना से तो उनकी मदर को भी बहुत ज़्यादा शौक था प्लांट्स का उनको भी है और मुझे भी है तो उन्होंने बोला मुझसे कि थोड़े से प्लांट्स तुम लेना चाहती हो अगर तुम्हें शौक है तो फिर मैंने कहा कि हाँ दे दीजिए और होता है ना कोई चीज़ आप जब दूसरे से लेते हैं तो उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है तो इसीलिए मैंने उनके यहाँ से एक दिन मीट बुलवा करके पीछे का सारा साफ़ करवाया और ये पाइप निकलवा लिया वैसे तो मैं अपनी जग से ही डाल देती थी जो मेरी दो तीन गमले थे उनमें पानी में अपने जग से ही डाल दिया करती थी क्योंकि ये काफ़ी सारे प्लांट्स हैं बड़े बड़े हुए हैं तो मुझे पाइप निकलवाना ही पड़ा और यहाँ पर हम दोनों नहा धोकर के तैयार हो गए हैं एकदम और यहाँ पर देखिए मैं कारपेट बिछा रही हूँ नीचे ये कारपेट भी मैंने उन्हीं से लिए हैं और अच्छे एकदम नए कारपेट हैं धुले हुए लेकिन आ, उनको बेचने थे कारपेट्स तो काफ़ी सस्ते मुझे मिल गए हैं ये और अच्छे भी हैं तो हमारे फ्लैट में भी काम में आ जाएंगे और शैली भी यहाँ वहाँ खेलती रहती है थोड़ा बहुत तो उसको भी इजी रहेगा क्योंकि नीचे ठंडा होता है तो उसको इस पर बिठा देती हूँ मैं टॉयज लेकर के और यहाँ पर खेलती रहती है अब कुछ लोग बोलेंगे कि कोरोना से उनकी मदर की डेथ हुई है तो चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत थी तो मैं आपको बता दूँ कि निमोनिया हुआ था पहले उनकी मदर को उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में थी तो कम से कम दस पंद्रह दिन बाद उनको कोरोना हो गया था वहीं पर और उनको घर नहीं लाए थे जैसे कि आपको पता है कि कोरोना पेशेंट को घर नहीं लाने दिया जाता उनकी डेड बॉडी को तो ये मैं आपको कारपेट दिखा रही थी बराबर में दो रखे हैं जो बड़ी साइज़ के हैं ये मैं पास से दिखा देती हूँ आपको देखिए कितना एकदम बिल्कुल नया है और धुला हुआ है ऐसा कुछ नहीं है सैनिटाइज भी है ये और मैंने भी सैनिटाइज़ कर लिया था इसको हमारे यहाँ सैनिटाइज़र रखा हुआ है बॉटल उसी से सैनिटाइज़ कर लिया था उसके बाद मैंने अपनी बेटी को उस पर खेलने बिठाया है और यहाँ पर मेरी बेटी यहाँ पर खेल रही है देखिए ये ऐसे काम करती है पहले खिलौने निकाल देगी फिर उसमें रख देगी और अब मैं यहाँ पर पापड़ तल रही हूँ सब्जी बनाऊँगी मटर आलू की सब्जी बनाऊँगी लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पापड़ तल देती थी तो ये और इसके डैडी खा लेंगे शैली और उसकी डैडी चाय से थोड़ा सा तो वो लोग थोड़ी सी देर बने रहेंगे नहीं तो वो लोग मतलब शैली क्या मतलब उसकी डैडी ज़्यादा ही उनको मतलब उठते ही भूख लग जाती है एकदम तो मैं उनके उठने से पहले सब कुछ तैयार रखती हूँ सब्ज़ी भी और आटा भी सब कुछ तैयार रखती हूँ लेकिन आज वो जल्दी उठ गए इसीलिए मैंने तैयारी नहीं कर पाई खाने की तो मैं यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी छूक रही हूँ मसाला मेरा भुन गया है अच्छे से अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने मटर और आलू टमाटर भी मैंने इसी में डाल दिया था और मैंने खड़े मसालों से बनाई है सब्ज़ी आज पीस करके कुछ भी नहीं बनाया और सर्दियों में मटर और धनिया डालने के बाद जो टमाटर आलू की सब्जी में टेस्ट आता है उसकी तो कहने ही क्या ये सब्ज़ी चावल से पराठे से रोटी से सबसे अच्छी लगती है और जब कढ़ाई में पा, आ, सब्जी बनाते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है तो मैं ज़्यादा ही पानी डाला है इसीलिए तो देखिए ये जो दो कारपेट हैं ये एक बदामी कलर का है मतलब डार्क ब्राउन मटमेला सा है और नीचे वाला आ, मरून कलर का है वो भी काफ़ी अच्छा है तो ये जो दो कारपेट हैं बिग साइज़ के हैं मतलब बेड के नीचे या डाइनिंग के नीचे बिछाने के लिए हॉल में और इसीलिए मैंने ये ले लिए क्योंकि काफ़ी अच्छे थे और अफोर्डेबल भी मिल गए ए, ए, तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अभी मेकअप किया हुआ है क्योंकि मैंने अभी एक अंजलि चौहान इंस्पायर मेकअप लुक किया है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी वीडियो या तो इस ब्लॉग से पहले या इस ब्लॉग के बाद पर मिल जाएगी देखने के लिए तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये कोकोनट हेयर ऑयल है खादी का हर्बल आयुर्वेदिक कोकोनट हेयर ऑयल एंड रिचेज़ हेयर ग्रोथ एंड प्रीवेंट एंड्रफ नो मिनरल ऑयल पैराफिन फ्री है ये अब देखिए अभी देखिए इसमें ये जम गया है अंदर कोकोनट ऑयल इसमें जमा हुआ है तो ये खादी का प्योर कोकोनट ऑयल है तो मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है प्लस मैं अपनी बेटी की पैरों की थोड़ी थोड़ी, थोड़ी मालिश कर देती हूँ वह अभी सर्दियों में तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है और उसके समय भी मैं यही लगाती हूँ कि खादी की जो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं और अच्छे हैं बस मैंने एक मिंत्रा से बेडशीट भी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे ऑर्डर करनी थी बेडशीट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ी थी तो ये बेडशीट देखी मैंने मंगाई है ये है डिवाइन कासा की डिवाइन का सके सिंगल की बेड शीट है वो जो आप फोल्डिंग देखते हैं पीछे उसी के लिए मैंने मंगाई है इसमें एक पिलो कवर है और एक बेड शीट है इसको बिछाने के बाद भी मैं आपको दिखा दूँगी सेट करने के बाद इसका कपड़े की बात करें सबसे पहले कपड़ा इसका प्योर कॉटन है बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका कपड़ा फाइव फिफ्टी की है ये और उसका प्रिंट भी आप देख रहे हो कितना वाइब्रेंट है पर्पल और येलो की कॉम्बिनेशन है थोड़े थोड़े से यहाँ पर वाइट कलर की बेल भी बनी हुई है बहुत अच्छा है इसका कपड़ा अगर आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो फाइफ़ फिफ्टी में इतना अच्छा कपड़ा मिल जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था देखिए ये है इसका पिलो कवर अच्छा है काफ़ी अच्छा है इसका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा एक और बेड शीट ऑर्डर की थी फोर एटी नाइन की थी वो थी रोमी की लेकिन वो अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी लेकिन उसे हमने फिर भी रख लिया अभी आ, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं उस कमरे में तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन कभी किसी ब्लॉग में पक्का दिखा दूंगी तो ये देखिए इसका कपड़ा वाकई में बहुत अच्छा है फाइव फिफ्टी के हिसाब से प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है बहुत सॉफ़्ट है तो ये बेड शीट है तो चलिए मैं आपको इसको बिछा करके दिखाती हूँ कि किस कलर किस तरह का लुक आएगा इसका तो देखिए ये है इस बेड शीट का लुक कितनी ज़्यादा पिटी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है परफेक्टली आ भी गई है बहुत अच्छा है, इसका बहुत सॉफ्ट कपड़ा है बहुत अच्छा है और प्रिंट भी कितना कूल लग रहा है और यहाँ पर ये पिलो है जो ये थोड़ा सा छोटा है मतलब और जो बड़ा वाला पिलो है वो अभी मेरी बेटी उधर सो रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि उठ जाएगी फिर उठेगी तो थोड़ा सा रोएगी <laughs> तो मुझे बहुत अच्छी लगी बेड शीट बाकी में इसका लुक बहुत बहुत अच्छा आया है डिवाइन कासा ब्रांड की है ये प्योर कॉटन है फाइव फिफ्टी का प्राइस है सेल प्राइस फाइव फिफ्टी है आई डोंट नो कि एक्चुअल प्राइस क्या है पर आप चाहो तो जाकर कर चेकआउट कर सकते हो एक पर्पल में है और एक डार्क ब्राउन में भी थी तो ये मुझे पर्पल कलर में ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इसीलिए पर्पल कलर में ऑर्डर की है तो बहुत बढ़ी लग रही है अच्छी लग रही है और ये ये दूसरी वाली बेड शीट है डार्क ब्राउन कलर की लुक इसका बहुत अच्छा है आपको सामने से देखने में ये बहुत अच्छी लग रही होगी लुकवाइज़ एकदम बिल्कुल रॉयल लुक है इसका लेकिन इसका कपड़ा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कपड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये फोर एटी नाइन की है और जो दूसरी वाली आपको दिखाई थी वो फाइव फिफ्टी की थी तो कपड़ा थोड़ा सा इसका स्टिफ टाइप में है मतलब कॉटन है हाँ कॉटन है लेकिन वही है कि थोड़ा सा मुझे कपड़ा अच्छा नहीं लगा बाकी इसका लुक बहुत अच्छा है तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ शाम की पूजा न करते हैं और देखिए मेरा काजल मैंने साफ़ किया था मेकअप मैंने पूछा तो इसमें तो सही लगाया इसमें बह गया है <laughs> अभी ठंड हो रही थी वैसे तो मैंने मतलब नहीं पहना है अभी तक किसी सीज़न में स्वेटर लेकिन अभी ठंड हो रही थी तो फिर मैंने देखिए स्वेटर भी पहन लिया ये स्वेटर मैंने आपको दिखाया था अपने विंटर शॉपिंग हॉल में तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लॉग में इतना ही तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा Until you take care. Bye bye.